नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री एंड कॉइंस चैनल में। मेरा नाम है ओम मोदी और आज हम जानने वाले हैं शक सत्रप यानी इंडो सिथियन के प्रसिद्ध शासक नहपान राजा के सिक्के के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने सातवाहन वंश के सिक्कों के बारे में वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं शक सत्रप की इतिहास। दोस्तों, भारत में कई साल पहले विदेशी जातियों ने कई बार आक्रमण किए हैं, जिसमें इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी, कुषाण, इंडो सिथियन यानी शक सत्रप। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ भारत में आने वाली दूसरी विदेशी जाति की, तो वो थी शक सत्रप, जिसे हम इंडो सिथियन के नाम से भी जानते हैं, और वो मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। शक सत्रप की दोस्तों भारत में चार और अफगानिस्तान में एक शाखा थी, जिसमें यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, टोटल मिलाकर पांच शाखाएं थी शक सत्रप की, जिसमें अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिमी भारत और उत्तरी दक्षिण में स्थित थी। अगर दोस्तों मैं पश्चिमी क्षत्रप की बात करूँ तो पश्चिमी क्षत्रप में सबसे शक्तिशाली शासक था नहपान। नहपान के शासनकाल का दोस्तों कोई निश्चित समय हमें अभी तक नहीं मिला है, लेकिन पहली और दूसरी शताब्दी के मध्य या फिर उनके आसपास उन्होंने शासन किया है। नहपान जो था दोस्तों वो क्षहरात वंश का राजा था, जिसका उल्लेख हमें सिक्कों से भी मिला है, वो हम आपको मैं थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। और जो ये नहपान था दोस्तों वो सातवाहन वंश के कई राजाओं को पराजित किया था और उनके क्षेत्र पर भी अधिकार जमा लिया था। अब दोस्तों वही सातवाहन वंश में से एक महान राजा हुआ गौतमीपुत्र सत्कर्णी। उन्होंने 124 ईसा में नहपान का वध किया था और उनके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया था उसी समय। तो वही नहपान का सिक्का दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। ये दोस्तों ये नहपान का सिक्का है चांदी का, और ये इसकी बैक साइड है। तो चलिए हम बात करते हैं सिक्के के बारे में। अब दोस्तों ये जो सिक्का देख रहे हैं चांदी का, नहपान राजा का सिक्का है। और इस सिक्के में दोस्तों ये खासियत है कि ये तीन अलग अलग लिखावटें हुई है अलग अलग भाषा में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीक अक्षरों में कुछ लिखा गया है, लेकिन कंडीशन के कारण अच्छे से यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगर बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए दो अलग अलग लिपि में लिखा गया है। यहाँ पे खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया है और यहाँ पे ब्राह्मी लिपि का, लेकिन ये कंडीशन के कारण मैंने कहा कि ये पूरा कॉइन नहीं बना है। यहाँ पे आप जो साइड में कॉइन देख रहे हैं उसे देखिए, एक साइड पे खरोष्ठी लिपि और एक साइड ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है इस सिक्के में। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं कॉइन्स की ऑबवर्स साइड में। तो इसे दोस्तों कॉइन्स की ऑबवर्स साइड बोला जाता है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो नहपान राजा का चित्र बना हुआ है। बहुत अच्छी कंडीशन में ये सिक्का है। और यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज की गई है दोस्तों ये ग्रीक भाषा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीक में क्या लिखा हुआ है। और अगर रिवर्स साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए एक साइड खरोष्ठी लिपि और एक साइड ब्राह्मी लिपि। अब दोस्तों खरोष्ठी में क्या लिखा और ब्राह्मी में क्या लिखा है यहाँ पे आप एक फोटो में देख सकते हो। तो ये ब्राह्मी और खरोष्ठ लिपि में लिखा गया है राजानो शहर अतसा नहपान, ऐसा कुछ लिखा है। और जैसे मैंने कहा था दोस्तों नहपान क्षहरात वंश का राजा था, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और यहाँ पे आप बीच में जो दोस्तों ये दो सिंबल देख रहे हैं, इसे बोला जाता है दोस्तों एरो और थंडर बोल्ट, और वो भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे दिख रहा होगा। एरो और थंडर बोल्ट का यहाँ पे निशान दिया गया है, और बहुत ही खूबसूरत चांदी का ये सिक्का है। यहाँ पे आप देखिए खरोष्ठ लिपि में लिखा गया है जैसा मैंने आपको कहा। अब ये दोस्तों सिक्के आपको अगर कलेक्शन में शामिल करने हैं तो एग्जीबिशन या फिर कोई अच्छे डीलर से इस कॉइन की प्राइस आप 1500 से 2000 के बीच में आप ऐसे सिक्के बाय और सेल कर सकते हैं अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए। क्योंकि दोस्तों जितनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन होगी उतने आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। मैंने दोस्तों ऐसा ही नहपान का सिक्का 3000 तक भी मैंने सेल होते हुए देखा है अहमदाबाद एग्जीबिशन में,
क्योंकि दोस्तों वो सिक्के में क्या है ना, वो पूरे के पूरे दो ही अलग अलग लिपि यहाँ पे स्पष्ट दिखती है, एरो भी सिंबल स्पष्ट दिखता है। और ये ग्रीक जो लैंग्वेज है यहाँ पे अच्छी नहीं है, लेकिन उस वाले कॉइन में बहुत ही काफ़ी सुंदर यहाँ पे ग्रीक अक्षर में लिखा गया था। तो इसके कारण कंडीशन के कारण डिपेंड ऑन कंडीशन, जितनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन होती है उतनी कॉइन्स की प्राइस होती है। तो ये था दोस्तों नहपान राजा का सिक्का। अब दोस्तों नहपान के जो सिक्के हैं हमें बहुत ही अलग अलग जगह से प्राप्त हुए हैं। जैसे अगर आपने सुना होगा कि नासिक के जोगलथंबी विस्तार से आसपास से हमें जो सिक्के प्राप्त हुए हैं नहपान के, वो सिक्के में दोस्तों गौतमी पुत्र सत्कर्णी ने पुनः टंकित कर ये सिक्के चलाए थे। क्योंकि दोस्तों मैंने जब आपको इतिहास बताया कि नहपान को दोस्तों गौतमी पुत्र सत्कर्णी ने हराया था, तब दोस्तों नहपान के जो सिक्के थे उनको पुनः टंकित कर गौतमी पुत्र सत्कर्णी ने उनके राज्य में चलाए थे। और वो यहाँ पे आप सिक्के देख सकते हो, वो सिक्के कैसे दिखते हैं। ये सिक्के दोस्तों काफ़ी रेयर आते हैं और हमें एग्जीबिशन में ही ऐसे सिक्के देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की है नहपान राजा के सिक्के के बारे में। आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं आपको ग्रीक सिक्के भी दिखाने वाला हूँ, जैसा कि ये मेरा एक एल्बम है कॉइन्स का। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये देखिए दोस्तों ग्रीक एपोलोडोटस सेकंड का ये सिक्का है। आने वाले वीडियो में दोस्तों इसके बारे में भी सभी प्रकार की माहिती मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।